खुशी में कब से तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। कम उद्मी ना खुशी बिटिया, कहा कर रहे थे? चाहिए देखिए छोटे का चाहते चाहिए। जी नानी जी। सबके सामने हम पे कैसे चिल्ला सकते? कब से तुम्हें बुला रहा था, तुम सुनी नहीं रही थी। ये क्या है? तुम्हारे लिए पहन के आऊं? ये तोहफा है। हाँ तुम्हारे लिए। ये कोई तरीका होता है अपनी पत्नी को तोहफा देने का? मैं ऐसे ही हूँ, जाके इसे पहन कराऊ। नॉट वन मोर वर्ड, अभी जाओ और इसे पहन कराओ। जस्ट वेट। क्यों खड़ी हो? इधर आ। हमारे पास दुपट्टा नहीं है। ये कैसा लहंगा चल रही है? उन्होंने आपको इसके साथ दुपट्टा नहीं दिया? तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा? क्यों खामोशी है जुबां मेरी, अश्कों से कह पाऊं ना? क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में? रब्बा
के रोके कोई शादी पूरी कैसे हो सकती? ये सात फेरे ही तो शादी के बंधन की नींव हो बते। नहीं अर्णव जी। क्या हुआ खुशी? वो क्या? नहीं अर्णव जी, हम ये नहीं कर सकते। हमारी शादी पूरी नहीं हुई है। What do you mean? क्या मतलब है कि शादी नहीं हुई है? हमारा मतलब है कि हमारी शादी अधूरी है, हमने फेरे नहीं लिए है। जब तक लड़का लड़की अग्नि के चारों। Okay, stop, खुशी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे घर में मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रह रही हो और तुम ये बिलीव करती हो कि हमारी शादी नहीं हुई है। What do you mean? नहीं अर्णव जी, शादी के रीति रिवाज, समाज की स्वीकृति, बड़ों का आशीर्वाद, ये सब मायने रखते हैं। हर छोटी छोटी रीत का कोई मतलब होता है, जैसे फेरे, शादी के रिश्ते की नींव फेरे। That's the problem, right? तुम्हें ये लगता है कि हमारी शादी नहीं हुई है क्योंकि हमने फेरे नहीं लिए। अर्णव जी, फेरे लेने से? तो तुम्हें फेरे लेने हैं ना, चलो मेरे साथ। अर्णव जी, अर्णव जी, अर्णव जी, आप क्या कर रहे हैं? अर्णव जी रुक जाइए। शादी करना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी हमने शादी की विधि पूरी नहीं की। पंडित बुलवाना पड़ेगा, मंत्र पढ़े जाएंगे, सारे रीति रिवाज पूरे होंगे। पिछले 6 महीने से हम साथ रहे थे लेकिन हमारी शादी पूरी कहाँ हुई? हमने फेरे भी नहीं लिए और